Hey guys, welcome back again. This is Shivraj and सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है. जितने भी जिम लवर्स हैं, फिटनेस इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए गुड न्यूज़ है. बट इस गुड न्यूज़ को सुनाने से पहले, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूं. और उस गुड न्यूज़ को सुनाने से पहले मैं आपको एक नितिन गडकरी जी की क्लिप दिखाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब जल्दी ही जिम ओपन होने वाले हैं. नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के, तो ये क्लिप आप ज़रूर देखें. अबाउट स्टार्टिंग ऑफ जिम, द मैटर इज रिलेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट, बट आई फील दैट बाय मेंटेनिंग डिस्टेंस मोर देन 1 मीटर, सोशल डिस्टेंस मोर देन 1 मीटर, you can ask government authority to give permission for them, because you have to take the preventive measures. Mask is mandatory. At the same time, using of sanitizer, soap is very important, and to maintain the distance more than 1 meter, it can resolve the problem and you can start your gyms. So for that purpose, you need state government permission, somewhere permission from the municipal commissioner or the district collectors. But better way that if you can give any representation by which you can give a one type of affidavit to government that we will maintain these things and we will obey the order of the government by maintaining social distance more than 1 meter between the two people. We will use sanitizer, we will use mask mandatory. So with this condition, probably the government may take the decision. In some of the cities which are in green zone, the government is now giving permission for them. So I feel that even now it is time for the country that we have to regularize our life. Everything in lockdown is not the option. Guys, देखा आपने जो नितिन गडकरी जी ने जो अपने बयान में बोला है कि बहुत ही जल्द जुलाई के मंथ में जिम रीओपन हो सकते हैं, और हालांकि उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं बताई है कि 1 जुलाई से ओपन होंगे, 5 जुलाई से ओपन होंगे, बट हाँ, इतना पॉजिटिव रिस्पांस भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि इतने दिन से जैसे कि हमने सुना है कि 8th of May से जिम ओपन हो जाएंगे या फिर 16th of May से जिम ओपन हो जाएंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बट अब जबकि हमें हमने खुद नितिन गडकरी जी को बोलते हुए सुना है कि हाँ, जुलाई में जिम ओपन हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से, और कुछ सिटीज़ और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपको म्यूनसिपल कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी. तो बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है हमारे लिए, और उन्होंने जैसे कि ये भी बोला है कि आप लोग कैसे अगर जिम ओपन हो जाएंगे तो कैसे आपको मेंटेन करना है, कैसे आपको जो प्रिकॉशंस हैं वो कैसे करने हैं. और उन्होंने साफ साफ बोला है कि जैसे कि जो एरियाज ग्रीन जोन में हैं तो वहाँ पर तो 80-90% चांसेस हैं जिम ओपन होने के स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से. तो और प्रिकॉशंस का जैसे कि उन्होंने बताया कि वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी जिम ओनर्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, 2 लोगों के बीच में 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखनी होगी, और सैनिटाइजिंग रखना होगा, आपको सोप रखना होगा जो कि बहुत ज़रूरी है, मास्क मैंडेटरी है पहनना. और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आप लोगों को सिर्फ इन सब चीज़ों की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत जल्द जिम ओपन हो जाएंगे जुलाई के महीने में, और डेट अभी तक कोई फिक्स नहीं हुई है. बट हाँ, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आया है उससे हम हमारे अंदर एक फिर से जिम ओपन करने के लिए जो खुशी है वो आई थिंक मैं समझ सकता हूँ. जितने भी जिम लवर्स हैं, फिटनेस लवर्स हैं, फिटनेस इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको बहुत अच्छी एक न्यूज़ मिली है, बहुत उनको खुशी हुई होगी. और जितने भी लोगों ने हमारे लिए प्रोटेस्ट किया बाहर निकलकर, जो जिम ओनर्स हैं, जो जिम ट्रेनर्स हैं, जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत भी ये रंग लाई है. और इतने लोग जो बेरोज़गार अभी घर पर बैठे थे, जो जिम ओनर्स हैं वो जो लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे कर रहे थे, जिनकी जिम रेंट पे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है. तो सभी को बहुत खुशी हुई होगी ये न्यूज़ सुनकर. तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जो हमारे लिए इतना सोचा है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो जैसे कि हमारी फैमिली डिपेंड करती है हमारे ऊपर, और हम डिपेंड करते हैं हमने अपने काम के ऊपर. जैसे कि हमारा काम जिम का है, तो हमारी जो
लाइफ है, उसी की जो कमाई है उसी पे सर्वाइव हम करते हैं, तो अगर हमारे लिए जिम ओपन हो जाएंगी तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस अब आप लोग सब तैयारी करें जिम ओपन करने की और कैसे उसको मेंटेन करना है इन सब चीज़ों की। और गडकरी जी ने ये भी बोला है कि जो एरियाज़ ग्रीन जोन में हैं तो वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेकर हम जिम ओपन कर सकते हैं। और जैसे कि अगर बात करूँ मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली की, तो शायद वहाँ पर COVID-19 के केसेस ज़्यादा हैं और इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। और जहाँ पर भी रिकवरी टाइम टू टाइम ज़्यादा हो रही है और केसेस कम हैं, जो एरियाज़ ग्रीन जोन में हैं, वहाँ पर जल्दी ही जिम ओपन हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एकदम से सारे जिम ओपन हो जाएंगे, बिकॉज़ वो देखेंगे कि जहाँ पर केसेस कम हैं COVID-19 के और जहाँ पर ग्रीन एरियाज़ हैं, ग्रीन जोन में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जिम ओपन धीरे धीरे ओपन होंगे। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अब सभी जिम के लिए, सभी जिम ओनर्स के लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। तो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग अवेयर हो जाएं इस चीज़ के लिए कि जिम जल्दी से रीओपन होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ, जिम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपको आप तक पहुँचा सकूँ, और फिटनेस से रिलेटेड जो भी मैं आपको अपने दिल से जो भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप लोग उसे पसंद करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ आपको। और सो गाइज, ये था मेरा वीडियो एक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुँचाने के लिए। और टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।